करनाल में आज बुधवार को 45 कोरोना के पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सेक्टर 7 से 2 परिवारों से हैं। आपको बता दें कि आज भी जिला पुलिस के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। बता दें कि आज बुधवार को शिव कॉलोनी रामनगर हल्का नीलोखेड़ी CIA 2 पुलिस थाना हल्का इंद्री न्यू पुलिस लाइन सिविल लाइन पुलिस थाना लालकुआ व कलंदरी गेट सहित अन्य मामले जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं। आज भी जिला पुलिस के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुट गया है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। करनाल में अब तक 740 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 515 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 219 है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन अश्विनी कुमार अहूजा ने बताया कि आज 45 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव के परिवार वालों की ट्रेसिंग की जाती है, साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जाती है। 515 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अब तक 10 लोगों का देहांत हो चुका है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी अपनाकर कोरोना को हराया जा सकता है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जिला करनाल में आज कोरोना के हमारे पास 45 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से हमने जो अपने जिला करनाल में एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट डायग्नोज होता है उसके हम फैमिली मेंबर्स को सिम्टोमेटिक होते हैं तो इमीडिएटली कंटैक्ट ट्रेसिंग करके सैंपलिंग करा देते हैं। यदि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते तो उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग हम 5 या 6 दिन के बाद करते हैं, ताकि कोई भी वायरस लोड की यदि कमी हो तो उस टाइम तक पूरा हो जाए और एक ही टेस्ट में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट कंफर्म हो सके। अब तक जिला करनाल में हमारे पास 740 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। उनमें से हमारे पास जो पेशेंट आज आए हैं इनको मिला के 535 के करीब, 515 के करीब हमारे ऑलरेडी डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और जो क्योर होके जा चुके हैं, और बाकी पेशेंट 515 हमारे डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और बाकी पेशेंट जो हैं वो आज पाइपलाइन में अभी टेस्ट होकर शाम तक जो उनका लगेगा और भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो 10 डेथ हुई थी उस डेथ का कंटेक्ट और सारी ट्रेसिंग हम कर चुके हैं। जैसे हमारे पास मिस्टर राम गोपाल जो सेक्टर 7 के थे, इनकी फैमिली कंटेक्ट काफ़ी 26 मेंबर फैमिली में थे, उनको सारों को हमने ट्रेस डाउन कर दिया है। उनकी फैमिली इमीडिएट फैमिली में से भी जो 3-4 भाई हैं ये, उनकी फैमिली में से भी हमारे पास 12 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं और इनके सेकेंडरी कंटेक्ट के नाते भी हमने 12 सैंपल लिए थे, उनमें से भी 6 पेशेंट हमारे को पॉजिटिव मिले। हमारे पॉजिटिव आए हैं उनमें से 22 तो फैमिली कंटेक्ट पॉजिटिव के कंटेक्ट्स हैं, एक ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है, 10 लोग ILI और सारी के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ सिम्टोमेटोलॉजी के साथ डायग्नोज हुए हैं, 10 वो हैं। इनमें से 4 या 5 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे, और 2 लोग पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट से बैंक से पॉजिटिव आए, तो उनकी बाकी कंटैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। डॉक्टर साहब, करनाल वासी को क्या कुछ अपील रहेगी, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? करनाल में नहीं, मामले हर जगह बढ़ रहे हैं। मामले में लोगों को कोरोना को बड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है। कोरोना ने कभी भी हमारे को 1 जुलाई के बाद से कोरोना ने कोई छूट नहीं दी। लॉकडाउन अनलॉक फेज ख़त्म हो गया है, पब्लिक फ्रीली घूम रही है, हर जगह भीड़ देखी जा रही है। कोरोना की जो भी प्रिवेंटिव गाइडलाइंस हैं, प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी हैं
वो कोई नहीं ले रहा है, उसके तहत ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब फेस मास्क का यूज़ बाज़ार में ज़रूरत से ना हो तो ना जाएं, गैदरिंग वाली जगह ना जाएं। जो भी बंदे हमारे घर में कोई कोमॉर्बिडिटी या किसी भी और बीमारी से कोई ग्रसित है, ओल्ड एज है, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जा के अपना चेकअप कराएं, और उनके अंदर यदि कोरोना के लक्षण नहीं है तो भी उनकी टेस्टिंग करवाना अति आवश्यक है, ताकि वो समय रहते उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये एज ओल्ड एज में और 10 साल से नीचे बच्चों में ये बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और बहुत जल्दी ही काफ़ी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.